अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे एंड मज़े में होंगे। तो व्यूअर, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, कह रहे थे कि यार आप जो है ना टाइम टू टाइम अपडेट नहीं कर रहे। तो यार मुझे जो है ना, तो मैंने काफ़ी बार बताया, मैं गया थोड़ा बिजी रहता हूँ, टाइम नहीं मिलता। तो पहले सबसे पहले हम लोग अपडेट की तरफ चलते हैं, फिर बाद में जो है ना गपशप लगाते हैं। हम लोगों ने जो है ना फिर वो आगे की फ्रंट वाले भी स्टार्ट कर दी थी, तो नीचे की ये जो है ना पैनल, जैसे कि देख रहे हैं पैनल भी भराई हो रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने मतलब लास्ट रैकर रखे थे और सीढ़ी वगैरह ये सब हो रहा है। बाकी जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, हमारी क्रेन भी जो है ना फ्रंट वाले की तरफ लगी हुई है, मतलब कि नीचे वाली दो फ्रंट वाले लगाने के बाद फिर हम लोग ब्लीचर रखेंगे। ब्लीचर रखने के बाद जो है ना फिर हम लोग ऊपर का काम स्टार्ट करेंगे। ब्लीचर रख के नीचे वाली दो फ्रंट वाले रहती थे ना गेट के पास, तो नीचे वाली वो लगाने के बाद उसके बाद हम लोग फिर ब्लीचर रखने स्टार्ट कर देंगे। ब्लीचर कंप्लीट करके नीचे वाले फर्स्ट स्टैंड के, फिर जो ना टू स्टैंड के हम लोग ने फ्रंट वायर लगाने स्टार्ट कर देनी है, तो वो तो आज के दिन में हमारी हो जाएंगी। बाकी जैसे कि देख रहे हैं हमारे पीछे, तो हम कभी कभार यहाँ पे मैच खेला करेंगे। और जैसे कि देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं ब्लीचरों की तरफ, ये ब्लीचर रहते हैं कोई मतलब कि 15-16 ब्लीचर रहते हैं इस साइड के, तो ये रखने के बाद फिर हम लोगों ने जो है ना ऊपर वाले टू स्टैंड की फ्रंट वाले लगने स्टार्ट कर देनी है। फिलहाल वो नीचे जो रहते हैं दो फ्रंट वाले वो लगानी है, वो लगाने के बाद जो है फिर हम लोगों ने टू स्टैंड की फ्रंट वाले लगानी स्टार्ट कर देनी व्यूअर। बाकी यार काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि यार आप जो ना टाइम टू टाइम अपडेट नहीं कर रहे। यार सीन वही है कि मैंने कहा भी था कि बाकी जानी मुझे जो ना एक्चुअली छुट्टी मिलती है कोई रात 11 बजे 10 बजे फ्री हो रहा था। अभी मैं मतलब कि फ्री हो चुका हूँ, क्योंकि यार वो 400 टन क्रेन को जल्द से जल्द फारिग करना, उस टाइम मैं काफ़ी बिजी था, तो उस टाइम जो ना टाइम नहीं मिलता था मुझे अपडेट करने का। बाकी अभी इंशाल्लाह टाइम टू टाइम अपडेट किया करूँगा, मतलब डेली ना सही, चलो दूसरे से दूसरे में वीडियो अपलोड किया करूँगा जो काम करेंगे 220 टन क्रेन के साथ। और बाकी व्यूवर जैसे कि देख रहे हैं हमारे फ्रंट वाले नीचे की तरफ आ चुके हैं, ये दो फ्रंट वाले एक पीछे पड़ी एक ये पड़ी, ये वाली इन साइडों में लगाएंगे। ये लगाने के बाद जो है ना फिर हम लोग ने इनके ऊपर वाले ब्लीचर रखने स्टार्ट कर देने। बाकी जैसे कि देख रहे हैं बैक साइड रैंप की तरफ आ चुके हैं हम लोग, एक मतलब के राइट में एक लेफ्ट साइड में रैंप है, तो यहाँ के जो है ना मिट्टी वगैरह डाली, उन्होंने लोडर वगैरह चलाया है यहाँ पे, तो मतलब के रोड रोलर जो होता है वो चला के इसको जो है ना मिट्टी को नीचे दबाया गया है, तो अभी जो है ना यहाँ पर जो है ना मतलब कि बैक साइड के रैंप जो है ना ये बनने तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा हमारा। बाकी जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, व्यूअर जैसे कि मैं बता रहा था भैया, वो मतलब जो जो काम मैंने दिखाया फिलहाल, तो ये काम चल रहे हैं, क्योंकि एक राइट साइड में रैंप का काम चल रहा है और दूसरा जो है ना लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, तो इस साइड के रैंप के काम चल रहे हैं फिलहाल। उसके बाद जो है ना ये हमारे जो है ना क्रेन के लास्ट डे की जो वीडियो थी मैंने अपलोड नहीं की थी, तो काफ़ी लोग यार मतलब के माइंड कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई यार आप जो है ना फिर वीडियो के मतलब के काम बताया करो। यार काम उस टाइम में बंद था, ठीक है ना, काम था ही नहीं, सारा काम हम लोग 400 टन क्रेन करते थे, उसको जो भी हमारे पास जो भी क्रेनें थी ना सारी 400 टन क्रेन पे लगी हुई थी। तो हम नेक्स्ट कोई और काम करते तो हम लोग आपको बताते ना, मैं आप लोगों को भाई बताता कि भाई यार हम लोग ये काम कर रहे हैं। स्टेडियम में सिर्फ हम वेल्डर लगे हुए थे, वो सिर्फ अपनी प्लेटें वगैरह वेल्डिंग कर रहे थे, मतलब जो भी हम लोगों ने आइटम रखे थे 400 टन क्रेन के साथ तो वही वेल्डिंग हो रहे थे। अब हमारी 400 टन क्रेन फाइनली जो है ना जा चुकी है, मतलब कि हमारा स्टेडियम का ग्राउंड खाली हो चुका है। बाकी जो है ना ये पाकिस्तानी को जुगाड़ है, बाकी जैसे कि देख रहे हैं आप लोग माशाल्लाह से पाकिस्तान कहीं पे जो है ना पाकिस्तानी कोई भी कहीं भी मार नहीं खाने वाला, तो ये हमारा पाकिस्तानी जुगाड़ चल रहा है। मतलब कि जो पीस पड़ा था काफ़ी दूर था, उसको जो है ना फिर नज़दीक करने के लिए फिर दो साइड से बेल्ट लगाया हम लोगों ने, फिर पीस को जो है अपने मतलब के पास लिया वहाँ से घसीट के। और भाई न्यू अपडेट की वीडियो बनाने में के लिए काफ़ी मेहनत और एनर्जी लगती है, ठीक है ना भाई, उसके इसलिए मेरी वीडियो का वेट करने के लिए मैं आप सब भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना फिर बाहर की तरफ हम लोग चलते हैं परिकास की तरफ। बाकी जैसे कि देख रहे हैं आप लोग परिकास पे जो है ना यहाँ पे काम चल रहा है सिर्फ ब्लीचरों का और फ्रंट वालों का, जो टू स्टैंड की फ्रंट वाले उनकी भराई चल रही है, बाकी बैक साइड के कॉलम भी ऊपर वाले भराई हो चुके हैं कम्प्लीटली। तो बाकी बस जैसे कि देख रहे हैं कुछ स्लैबें पड़ी हुई हैं जो मतलब कि हमारी आएंगी बैक साइड कॉलम की तरफ, कहीं कहीं आ जाएंगे उसके बाद, वो भी थोड़ी बहुत स्लैबें पड़ी हैं, इतनी स्लैबें नहीं हैं जैसे कि ये देख रहे हैं स्लैबें, और ये पड़े हैं कॉलम वो उधर, ये ब्रीचर पड़े जो सामने पड़े, ये ब्रीचर हैं कॉलम उस साइड पर पड़े। बाकी परिकास की तरफ जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, ये आइटम सारे पड़े हुए भराई हुए हुए ब्लीचर भीम कॉलम बैक साइड के जो टॉप वाले कॉलम है सब भरे हुए पड़े हैं। उसके बाद व्यूअर जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, बाकी यार मैं सब भाइयों के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग जो है ना मेरी वीडियो का काफ़ी मतलब कि वीडियो के लिए इंतज़ार करते हैं उसका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी जो है ना भाई थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए सब भाइयों के लिए, बाकी लव यू हो गया। और जैसे कि देख रहे हैं ये कॉलम पड़े हुए हैं, मतलब कि ये कॉलम है टॉप के बैक साइड के, तो वो स्टेप वगैरह पड़े हुए जो ब्लीचरों के ऊपर आएंगे। बाकी जैसे कि देख रहे हैं आप लोग,
वो मतलब कि बैक साइड पे विलेज भी बने हुए हैं, और ये आइटम सारे अपने पड़े झाड़ियों में। तो बाकी ये स्लैबें रही बैक साइड की, ये सारा का सारा माल मतलब कि स्टेडियम के अंदर लगेगा, मतलब कि बैक साइड पे लगेगा, ऊपर की साइड, नीचे की साइड, ये सारा बैक साइड पे ही लगेगा स्टेडियम के अंदर। तो एफएल टावर भी दूर से जो है ना, मतलब कि स्टेडियम जब कंप्लीट होगा ना, ये इस एरिया में जब विलास वगैरह बनेंगे तो वहाँ से बहुत अच्छी खूबसूरती आ जाएगी। बाकी जैसे कि व्यूअर, आज की अपडेट के साथ इतना ही, जल्द न्यू अपडेट के साथ आप भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँगा। आपके प्यार और सपोर्ट का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हमारी न्यू से न्यू अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाकी थैंक यू सो मच, लव यू के सब भाइयों के लिए, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर एक लास्ट बात मैं भूल गया था, ये जो आपको स्क्रीन पे चैनल दिखाई दे रहा है, ये हमारे चाचू का चैनल है, मतलब कि काफ़ी फ़नी कंटेंट वगैरह होते हैं, और मतलब कि अच्छे कंटेंट होते हैं। बाकी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, और जाके नीचे उनकी एक वीडियो पर जो ना, इस वीडियो पर कमेंट लाजमी करने जाके डिजी के ब्रोच, मुझे पता चले कि मेरे कितने भाइयों ने जाके चैनल सब्सक्राइब किया। बाकी थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए भाई, तो ये चीज़ लाजमी करना।